गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ चुके थे, आधा चैप्टर हमारा हो चुका था। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर को रिवाइज करवा देता हूँ। मैं आपको जो भी बुक में रफ करता हूँ उसको बुक में नहीं करना है आपको, ओके। और से मैं जो भी आपका आंसर वगैरह होंगे इस चैप्टर के, मैं आपको आंसर आपके स्टडी मटेरियल में डाल दूंगा चैप्टर नंबर करके, ठीक है। इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको एग्जांपल के थ्रू। तो आपको बुक्स को, आई होप आपने इस चैप्टर को रीड कर लिया होगा, तो बहुत ध्यान से सुनिए, वेरी केयरफुली सुनिए, और मैं इसमें जो भी अंडरलाइन करूँ बुक में वो आपको कर लेना है, ओके। तो चेंजेस क्या होता है, किसी भी ऑफ मटेरियल्स थिंग्स में उसकी उसके डायमेंशन, शेप, साइज, कलर, प्लेस, इनमें कोई वेरिएशन आता है, दैट इज कॉल्ड इट्स चेंजेस। मीन्स कोई भी वेरिएशन, मीन्स थोड़ा सा भी जरा सा भी इनमें बदलाव होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, चेंजेस कहेंगे, ओके। तो कुछ चेंजेस कैसे होते हैं, कुछ अपने आप हो जाते हैं, जैसे पेड़ों में पत्तियां आना, फलों का पकना, ठीक है। तो ये आपका दूध से दही बनना, तो ये जो चेंजेस हैं वो ऑटोमेटिकली चेंजेस हैं, आपको नहीं करना पड़ता, ओके। लेकिन जैसे आपको गेहूं से आटा चेंज हो रहा है, तो वो क्या है आपका मेन मेड चेंज है, वो खुद से नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे, गेहूं लेंगे फिर उसको चक्की पे पिसवाएंगे, तो वो उस तरीके से क्या होगा आपका, चेंज होगा। तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ठीक है, अपने आप ही हो जाते हैं। कुछ जो चेंजेस हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, करवाना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपको वॉल्यूम है उसको क्या करना, फुलाना उसको, तो वो आपको ऑटोमेटिकली नहीं फूल जाएगा, वो आप उसमें हवा भरोगे तब वो फूलेगा, ओके। तो चेंजेस आपके मैंने बता दी किस किस टाइप से हो सकते हैं। टेस्ट में चेंज हो सकता है, शेप में चेंज हो सकता है, साइज में चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, प्लेस चेंज हो सकती है। तो ये आपका कुछ टाइप्स है जिस ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो आपका चैप्टर था इसमें बताया था देयर आर टू काइंड ऑफ चेंजेस, रिवर्स और इरिवर्स। कैसे रिवर्स, अब मैं समझा, आप ऐसे समझ लीजिए, हमने क्या किया, बर्फ से मीस पानी से बर्फ बनाया, मीस वाटर का वाटर से हमने आइस बनाया फ्रीजिंग करके, तो दोबारा आप आइस से वाटर प्राप्त कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, यू विल गेट वाटर फ्रॉम द आइस, तो आपको वाटर मिल जाएगा, इट मीन्स आपको दोबारा वही चीज मिल रही, दैट इज कॉल्ड रिवर्स चेंजेस। मीन्स जिस से करने से आपको क्या मिल रहा, दोबारा वही आपको सेम मटेरियल आपको यू गेट कर रहे हो आप, तो वो क्या कहलाए, ठीक है, मीन्स गेट बैक हो रहा हो आपको, तो दैट चेंजेस आर कॉल्ड रिवर्स चेंजेस, ओके। आपने एरोप्लेन का जो पेपर है, ठीक है, पेपर से आपने क्या बनाया, एरोप्लेन बना दिया, ओके, पेपर से आपने एरोप्लेन बना दिया, लेकिन दोबारा आप एरोप्लेन मिटा के आपका क्या रह जाएगा, वो पेपर, तो ये कैसे चेंजेस है आपके, रिवर्स चेंजेस। आप दोबारा समझ लीजिए, एक और एग्जांपल देखते हैं, आपकी मम्मी आटा लगाती है, रोटियां बनाती हैं, तो क्या करती है, आटा हमने लगाया तो हम रोटी बेलते हैं, अब उसकी शेप चेंज हो गई, फिर दोबारा से हमने रोटी को मिटा के दोबारा वो उसको लोई बना ली, क्लियर है। तो ये कैसा चेंजेस है, ये सारे कैसे रिवर्स चेंजेस है। लेकिन अगर आपने रोटी तवे पर सीख ले तो वो कैसा नहीं है आपका, रिवर्स चेंजेस नहीं है वो, क्योंकि आप दोबारा उससे आटा नहीं बना सकते, गूंथा हुआ आटा नहीं बना सकते रोटी से, ओके। तो ये कैसा चेंजेस आएगा आपका, रिवर्स इरिवर्स चेंजेस, ओके। देखिए, तो ऐसे द चेंजेस विच कैन बी गेट बैक इज कॉल्ड रिवर्स चेंजेस। सिंपल सी डेफिनेशन ही है, मैं आपको लिख दूंगा,
आप उसको लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक दैट इस तरीके से ये आपको समझ में आ गए होंगे। आपने पेपर को कट कर दिया, तो आप दोबारा से उसको एग्जिट पेपर आप गेट बैक नहीं कर सकते। तो वो कैसा चेंजेस है? इरिवर्स चेंजेस। तो चेंजेस दो प्रकार के हो गए आपके, रिवर्स और इरिवर्स। अब मैंने ये भी बताया था आपको, फिजिकल और केमिकल चेंज भी बताए थे आपको। अगर मैं उनकी बात करूं, किसके फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होगा, आपका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे। इसकी क्या चेंज हो जाएगी? प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे। आप देखिए, मिल्क है तो मिल्क का प्रॉपर्टीज अलग है, और मिल्क से मैंने क्या बनाया, कर्ड। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो क्वालिटीज हैं, वो चेंज हो गई कि नहीं? आपकी कर्ड की क्वालिटीज अलग है और मिल्क की क्वालिटीज अलग है, दोनों की अलग अलग है ऐसी। तो ये कैसा चेंजेस कहलाएगा? इसमें आपका न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और मोस्ट ऑफ दी जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? इरिवर्स चेंजेस होते हैं। कौन से चेंजेस होते हैं? इरिवर्स। ठीक है, तो इन द केमिकल रिएक्शन चेंजेस वी गेट अ न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आपको न्यू प्रोडक्ट मिलेगा और नई प्रॉपर्टीज उसकी मिलेगी। ओके, इन फिजिकल चेंजेस आपको कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्मड नहीं होता और ना ही उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। मैंने लकड़ी को काट दिया, कट किया, चॉप किया, वुड को मैंने चॉप, बोर्ड को चॉप करने के बाद वो बोर्ड ही रहा, कोई चेंजेस आया उसकी प्रॉपर्टीज में नहीं। मैंने पेपर लिया, ओके, ये पेपर है, ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया ऐसे, तो ये रहा तो पेपर ही ना, कोई इसकी प्रॉपर्टी में चेंज हुआ नहीं। तो दैट इज कॉल्ड आपका क्या, फिजिकल चेंजेस। इसमें कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, और मोस्ट ऑफ द जो फिजिकल चेंजेस हैं वो कैसे चेंजेस रहते हैं आपके, रिवर्स चेंजेस रहते हैं। जैसे आपने पानी से क्या बनाया, आइस बना लिया। ओके, क्लियर है? तो बैलून फ्लावर जो आपका बैलून है उसको फुलाना, तो ये सारे कैसे चेंजेस हैं आपके, रिवर्स चेंजेस। अब ये टेबल देखेंगे आप फिल कर सकते हैं, यस और नो कर, कैन वी रिवर्स्ड योर, यस। देखिए, रो एग टू बॉइल्ड एग, आपने चेंज हुआ, रो एग से बॉइल्ड एग हो गया, तो वो चेंजेस है? नो, नहीं कर सकते रिवर्स। बटर टू इडली, नो। बेड क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, यस। वूलन यार्न टू नाइटेड स्वेटर, यस। क्यों? आप देखिए, आपने स्वेटर बना ली, फिर दोबारा से उसको उधेड़ के आप कुछ और बना सकते हैं, तो बैलून ही आपको मिलेगा। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, नो। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, यस। आपने दूध को गर्म किया, दोबारा से आप ठंडा कर लीजिए, तो रहा तो वो दूध ही, चेंज तो नहीं हुए ना। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग, यस। तो देखिए, स्ट्रिंग मीन्स तार। अब तार से आपने उसको क्या कर लिया, स्ट्रेट कर दिया एक लंबा, फिर उसको कॉइल बना ली, तो दो रहा तो वो तार ही। ओके, बर्ड टू फ्लावर, यस, ये नो चेंजेस। आप फ्लावर बन गए, तो उससे दोबारा क्या नहीं बना सकते आप, बर्ड नहीं बना सकते। मिल्क टू पनीर, नो। ओके, काउ डंग टू बायोगैस, नो। वैसे एक्चुअली रहता तो है, लेकिन उसकी चेंजेस हो जाते हैं उसमें, तो हम काउ डंग टू बायोगैस, आई नो ही आएगा। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, रबर बैंड को तो आप कर ही सकते हैं, मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ नाउ, यस, प्रैक्टिकल। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, यस। देखिए, एक मिनट, आप मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ, क्लियर? ये देखिए, अभी पता करना है आपका ये कैसा चेंजेस है। देखिए, ये आपका रबर बैंड है, ओके, तो मैंने इसको स्ट्रेच किया, क्लियर? अब मैंने इसको लूज किया, तो दोबारा से रहा तो ये रबर बैंड ही, तो ये कैसा चेंजेस हुआ, रिवर या फिजिकल चेंज। तो मोस्ट ऑफ द आपके जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्स ही होते हैं। ओके, इसमें आपका नहीं है, तो आप रिवर्स और रिवर्स याद रखिए। जैसे आप समझ सकते हैं, मोम है, तो मोम को हमने क्या हुआ, आपका जो बैक्स है, मोमबत्ती कैंडल जिसको हम कहते हैं, उसको हमने पिघला लिया, जल गई, दोबारा से हम उससे कैंडल बना सकते हैं। ठीक है,
मीन्स जो आपकी पिघली हुई मोम है, जो मेल्ट बैग्स है, उससे आप दोबारा से वो कर सकते हैं, क्या बैग्स बना सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं, न्यू टॉपिक है आपका। देखिए, कुड देयर बी अदर वेज टू बींग अ चेंज ब्रिंग अ चेंज। यस, अब हम चेंजेस देखो, एक तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, कुछ हमें करने पड़ते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम अप्लाई करके चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए, चेंजेस करने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं। एक टेम्परेचर, आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। दूसरा है प्रेशर, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है इसके आपके, जो आपको चेंजेस लाते हैं आपका टेम्परेचर प्रेशर। क्या लाते हैं आपके? टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये चेंजेस आपके लाते हैं। ओके, जैसे अब मैं आपको समझा दूं, वाटर है, क्या है? वाटर है, तो आपको वाटर को हम हीट करें तो वो किसमें चेंज हो जाएगा आपका? एवोपोरेशन, मीन्स वाटर वेपर में। तो वो देखिए, वाटर टेम्परेचर चेंज हुआ ना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और वो किसमें चेंज हो गया आपका? वाटर वेपर में। क्लियर? तो ये ड्यूटी क्या हुआ? टेम्परेचर। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रेशर। देखिए, प्रेशर से चेंजेस, आपने बैलून फिलाया तो आप जब हवा भरते हैं बैलून में, एयर आप फ्लो करते हैं बैलून में, तो क्या होता है, एयर प्रेशर के द्वारा जो बैलून होता है वो क्या होता है, स्ट्रेच होता है, मीन्स फैलता है वो आपका। आप ऐसे भी, जैसे हमारी एलपीजी जो सिलेंडर में आती है वो कैसी रहती है? लिक्विड होती है, लेकिन वो हाईली प्रेशर्ड पे क्या होती है, एक्चुअली वो गैस है, लेकिन उसको प्रेशर के द्वारा कंप्रेस करके उसको किसमें चेंज किया गया आपका? लिक्विड में चेंज किया गया। ठीक है, आपने देखा होगा लोहा, ठीक है। तो टेम्परेचर हमेशा याद रखिए, टेम्परेचर करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोस्ट ऑफ दी जो मटेरियल्स है वो क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, फैल जाते हैं। क्या होते हैं? फैल जाते हैं, मीन्स उनकी जो क्या कहते हैं, साइज है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, लिटिल बिट इंक्रीज हो जाती है। तो आपने देखा होगा, हम लोहे के जो मेटल्स हैं उनको भी हम शेप दे सकते हैं डिफरेंट। आपने मोस्टली जो, अगर ये जिनको हम कहते हैं जो लोहे का, या ब्लैक स्मिथ, लोहार जो लोहे का काम करते हैं, तो वो लोहे को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे ये देखो, ये डिफरेंट इक्विपमेंट है आपके, ठीक है। तो इनको क्या हुआ, तो बनाने के लिए पहले लोहे को गर्म किया जाता है, क्योंकि वो ठंडा लोहा क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है, और जब उसको हीट करते हैं तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, जिससे वो लूज हो जाते हैं उसके एटम, और उसको शेप देना क्या होता है, इजी होता है। तो दैट्स व्हाई आपको उसको जो आयरन है उसको हीट अप किया जाता है, देन उसको प्रेशर के द्वारा उस पर हथौड़ा फोर्स लगाकर उसको क्या डिफरेंट शेप्स में चेंज किया जाता है। ओके, तो ये चेंजेस हैं आपके। ओके, और आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे आपने ये आपका ये ब्लॉक कार्ट का है, तो ये जो व्हील है इस पर, इसको बोलते हैं रिम, क्या बोलते हैं, रिम। तो इसको चढ़ाने के लिए इसको को क्या किया जाता है, हीटअप किया जाता है, और जब ये हीट हो जाती है, क्योंकि एक्सपेंड हो जाती है, फिर इसको इजिली इस पर चढ़ा दिया जाता है, फिर इसको ठंडा कर दिया जाता है। ओके, तो लाइक दैट इस टाइप से करते हैं। तो मैंने बता दिया आपको किस तरीके से आपको, आपका कैंडल भी, वो आप अगर कैंडल को हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, क्लियर। वो लिक्विड में चेंज हो गई, दोबारा उसको टेम्परेचर आप फ्रीज कर दो तो वो किस में हो जाएगी आपका, सॉलिड स्टेट में हो जाएगी आपकी। ऐसे ही आपका वो वाटर ले सकते हैं, वाटर को हमने हीट किया, हीट किया तो एवोपोरेशन के द्वारा वो किस में चेंज हो गया, वाटर वेपर गैस में, और उसको ठंडा कर दें हम, फ्रीज करें उसको, मीन्स टेम्परेचर कम करता जाए, वाटर पर कंडेंसेशन के द्वारा वो वाटर में चेंज होगा, और फ्रीजिंग के द्वारा वो किस में चेंज हो जाएगा, आइस में। तो इस तरीके के आपके क्या है, चेंजेस हैं जो आप डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हैं। तो देखिए, तो आपको कई बार वो अकेले चीज से भी जो चेंजेस होते हैं, कई बार वो होते हैं जो आपके समटाइम्स वो अपने आप ही हो जाते हैं। कुछ में हमें चेंजेस कराने के लिए टू या थ्री सब्सटेंस को ऐड करना होता है, ठीक।
ठीक है, अदरवाइज वो चेंज नहीं होता है। ओके, तो जैसे हमें क्या करना है, आपका मैदा होता है, जलेबी जिससे बनती है आपकी, उसको क्या करते हैं, सड़ाया जाता है पहले, तो उसमें खमीर डाला जाता है। अगर वो नहीं डालेंगे तो वो सही से क्या नहीं होगा, मीन्स ऐसा कह सकते, सड़ेगा नहीं, वो मीन्स सही से वो फूलेगा नहीं, ठीक है, तो वो उससे सही से जलेबियाँ नहीं बन पाएंगी आपकी। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमें कुछ चीज़ों में आपको चेंजेस कराने के लिए कुछ अदर्स मटेरियल्स को उसमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ओके, तो ये हमें करना होता है, तो इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। तो इन हायर क्लासेस में इन सभी के बारे में आप पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे, ये इसमें आपका इतना ही है। तो इसको मैं आपको यहीं ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको क्वेश्चन भी लिखना है, मैं सिर्फ ओनली आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा। क्लियर है इसके? तो अब पेज नंबर 51 पर आपका एक्सरसाइज में एक आपका टेबल है, उसको यस और नो में भी हमने टेबल की थी, उसको बाद इसको कर लेते हैं। सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, फॉर ईच चेंज राइट इन द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स और नॉट। जैसे द सोइंग ऑफ पीस ऑफ वुड, ठीक है, पहला इसको देख, द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, तो यस। डिसॉल्विंग सुगर इन वाटर, यस, क्योंकि देख आपने वाटर में शुगर डिसॉल्व कर दी। ओके, तो दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, उसको आप हीट करेंगे तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, शुगर ही मिल जाएगी आपको, क्योंकि वाटर एवोपोरेशन के द्वारा वो उससे शुगर को नीचे छोड़कर चला जाएगा, वो मीन्स एवोपोरेट हो जाएगा, तो वो गैस में चेंज होगा और गैस हमेशा ऊपर ट्रेवल करती है, हॉट एयर। कुकिंग ऑफ फूड, नो। राइपनिंग ऑफ मैंगो, नो। सोरिंग ऑफ मीन्स खट्टा मिल्क हो जाए तो, नो। ओके, द सोइंग ऑफ पीस ऑफ वुड, यस। ओके, तो ये टेबल आपको मैंने करवा दिया, आपको करना है। और ये जो आपके 7 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर मैं आपको स्टडी मटेरियल में आपको कल या परसों प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, तो आप उससे देख लीजिएगा और उनको आप इस चैप्टर में कंप्लीट कर लेना। अब ये है फाइनली, आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आया हो, यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आप कोई भी टॉपिक के सर, जो भी आपका रिवर्स क्या होता है, कोई भी वर्ड मीनिंग आपको नहीं आया समझ में, आप मुझसे पूछ सकते हैं एट ए लेक्चर टाइम। ओके, और वर्क आपको प्रॉपरली करना, हैंड राइटिंग आप इम्प्रूव करिए, पर डे 2 पेजेस हैंड राइटिंग करिए, और वर्क आपको फ्राइडे और सैटरडे को ही सबमिट करना है। ओके, थैंक यू।